गांधी जयंती थाने में आधी रात को टेलीफोन की घंटी गड़गड़ाई। मैंने रिसीवर उठा के पूछा कौन है भाई। बात प्रारंभ हो गई गाली से, हम समझ गए फोन है कोतवाली से। दो फूल का उड़न खटोला दरोगा टाइप पूछे बोला कौन है आप। मैंने कहा मैं रवि नेहरा हूं माई बाप। अरे प्यारे ये लोकतंत्र है, यहाँ पापियों के पाप को पाप नहीं कहते और पुलिस वाले कितनी भी मुसीबत में हो आम आदमी को आप नहीं कहते। अगर आम आदमी को आप कह दिया तो ये मानो सरेआम अपने ही बाप को बाप कह दिया। सरकारी आलू छोला दरोगा फिर से बोला, सरकारी आलू छोला दरोगा फिर से बोला, हमारे डिपार्टमेंटल मैखाने में यानी शहर के पवित्र थाने में कल गांधी जयंती का प्रयोजन है, डैश 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 भोजन है। दरोगा जी चुप हो गए बोलकर, अब हमारी श्रीमती जी बोली चौंक कर, क्या सुन रही हो। गांधी जयंती थाने में यानी खुशबूदार अगरबत्ती गुसलखाने में। मैंने कहा हेमरे चौपट भविष्य की सोनमई लंका, हेमरे चौपट भविष्य की सोनमई लंका पुलिस के चरित्र पर क्यों करती है शंका। जब ये ठान लेते हैं तेरे जैसे बुलाओगे सैकड़ों बयान लेते हैं। भगवती की मौलिक विचारों से फाइट हो गई और श्रीदेवी एक एग्जाम्पल में टाइट हो गई। पुलिस वाले हमारी इतनी इज्जत कर रहे, इसी सोपन में खोए खोए हम पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ सोई। इधर से श्रीमती के इधर की मुस्कान भरी काली और उधर से अपने चरित्र को रगड़ते हुए आ गए पुलिस की गाड़ी। गाड़ी में दो द्रोह का तीन सिपाही एक दीवान। हम सोचे यार गांधी जयंती है या गुंडा अभियान। मुझे थाने ले जाया गया, गांधी जी की तस्वीर के आगे बैठाया गया। गांधी जी की तस्वीर पे माला पड़ी थी फूल की, लेकिन किसी को चिंता नहीं थी उसके ऊपर जमी हुई धूल की। मैंने कहा एसपी साहब किसी दरोगा को बुलाओ धूल तो हटवाओ। उन्होंने अपना मुंह मेरे कान पर लगाया, बहुत बड़े रहस्य से पर्दा हटाया, बोला हमारी रोटी कैसे सेक लेंगे, धूल हटी तो गांधी जी असलियत नहीं देख लेंगे। थैंक यू। आवाज़ चलो।